वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, काफ़ी लोग काफ़ी कार्य करते हैं, सबके कार्य सराहनीय है, मैं किसी की कार्य की निंदा नहीं करता, पर हम जब कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा अंजाम दिया जाता है। तो मैं आज की जो वीडियो डालने जा रहा हूँ वो मैं डीजल टैक्सी के ऊपर डालने जा रहा हूँ। डीजल टैक्सी जो कि नौ मई 2016 को जिनका परमिट मात्र 5 साल का कर दिया गया था, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें जीत भी प्राप्त करी। क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको उसकी गाड़ी का पीड़ा पता है कि आपकी 24 लाख की गाड़ी, आपकी 10 लाख की गाड़ी, आपकी 8 लाख की गाड़ी मिट्टी ना हो जाए। तो मेरी वीडियो जिन भाइयों के पास डीजल गाड़ी है टैक्सी, वो ज़रूर सुने और कोशिश ये करें कि आप वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने का 2 फायदे होते हैं, एक तो जो मेरे साथी हैं उनके पैसे खर्च ज़्यादा ना हो जाए, तीसरा ये है कि जब यहाँ व्यूज़ दिखते हैं तो सरकार को लगता है कि हाँ भाई हमारी जो बात है वो इतने लोगों तक पहुँचती है, तो सरकार को भी रहता है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करेंगे तो हमारी बात दूर तक पहुँचेगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 9 मई 2016 को डीजल गाड़ियों का परमिट 5 साल कर दिया गया था, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और सितंबर 2021 के अंदर हमारी मीटिंग आदरणीय मंत्री कैलाश गहलोत के साथ हुई, परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई और उसमें हम ये पास कराने में सफल हुए कि डीजल का परमिट जो है ये आपको पूरा 10 साल का मिलेगा। अब हमारे यहाँ पर जागरूकता की कमी है, हमारे साथी आपस में चर्चा नहीं करते, वो कुछ सुविधा शुल्क देकर काम करवाना जानते हैं कि, या हमारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर भी ऐसे हैं, वो कोशिश करते हैं, मैं इसमें मेरे को कोताही नहीं है साफ शब्द बोलने में, कि दलाल से काम कराना वो ज़्यादा उचित समझते हैं और उनको लगता है कि किसी यूनियन से या किसी और साथी से कोई ऐसी संपर्क या साधना नहीं करनी चाहिए, ये आप ही का नुकसान है। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि जिन गाड़ियों के परमिट 10 साल के बड़े थे, लेकिन इसमें एक मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ, जिन गाड़ियों ने पिछले साल अपनी फिटनेस करवाई थी, दोस्तों इस बात को गौर से सुनना, जिन साथियों ने फिटनेस पिछले साल करवाई थी उन गाड़ियों की फिटनेस उनको पूरे 2 साल की नहीं मिली। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिन गाड़ियों की फिटनेस जो थी वो पूरी की पूरी 2 साल की नहीं मिली थी। अभी हमने पिछले दिनों लगातार मेहनत करके वो हमने इसको क्लियर करवा लिया है। अब आपकी गाड़ी बिना जाए, आपकी फिटनेस, अगर किसी भाई की फिटनेस 2 साल की नहीं मिली है, उसको 15 दिन की मिली है, जैसे मैं अपनी गाड़ी की बताता हूँ, मेरे को नवंबर, मैंने 21 में अपनी फिटनेस कराई थी, क्योंकि बीच में हमें दिल्ली सरकार ने छूट दे रखी थी कि आपके कागज़ों की वैधता 30 नवंबर तक है, तो मुझे लगा था कि मैं 28, 25, 20 तारीख के बाद मैंने अपनी फिटनेस करवाई थी, मेरे को फिटनेस आज की तारीख तक मिली थी। मेरे को फिटनेस मैं क्या बोलता हूँ कि पीड़ा उसको पता है जिसकी गाड़ी होगी, यूनियन में जिन भाइयों की गाड़ी होगी जो यूनियन चला रहे हैं उनको पता है कि मैंने किसके लिए क्या करना है। मैंने काली पीली, मेरे पास गाड़ी है, मुझे पता है काली पीली के लिए मैंने क्या करना है। मेरे पास 1RT है, मुझे पता है 1RT के लिए मैंने क्या करना है। मेरे पास DLZ है, मैं उसके लिए जानता हूँ क्या करना है। मेरे पास UP 16 है, उसके लिए जानता हूँ क्या करना है। मेरे पास HR 55, तो मैंने सभी अथॉरिटी में गाड़ियाँ इसलिए ले ली कि मेरे को जब वहाँ कोई बात करे तो मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ फाइट कर सकूँ, जिससे कि जिस काम के लिए यूनियन बनी है उसका जो मोटो है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, जिन भाइयों की फिटनेस पूरी 2 साल की नहीं मिली है उन लोगों ने ऑनलाइन अपनी गाड़ी की फीस कटवानी है फिटनेस की, ये बात को गौर से सुनिएगा। जिन भाइयों की फिटनेस 2 साल की, क्योंकि आदेश हमारा 23 फरवरी को 2022 को आया था, 23 फरवरी 2022 को ऑर्डर आया, तो ऑर्डर जब आ गया तो ऑर्डर के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो उसके बाद हमने जिस दिन ऑर्डर आया उससे अगले दिन हमने एप्लीकेशन दे दी कि श्रीमान जी आपने ऑर्डर तो कर दिया है, अब परमिट और फिटनेस
जो परमिट का हम 500 रुपये पे करते हैं वो आपको एक साल के लिए होता है ऑथराइजेशन। जिन भाइयों की ऑथराइजेशन एक साल के लिए नहीं मिली वो उनको एक साल के लिए मिल जाएगी बिना कुछ करे, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ बताना है और आपको वो ऑनलाइन करके ओके हो जाएगी। इसी प्रकार फिटनेस में ना आपको ड्राइवर को ट्रेनिंग करवानी है, ना आपको स्पीड गनर दिखाना है, ना आपको कुछ और दिखाना है। आपने पहले दिन अपनी फिटनेस की फ़ीस कटवानी है। फीस अगर आपकी 3000 रुपये जो पार्किंग कट भी जाती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वो आपके अगले पीरियड में एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने अगले दिन अपनी वो फीस कैंसिल करवा देनी फिटनेस की। जैसे ही फिटनेस फीस कैंसिल कराओगे, बुराड़ी में VIU ब्रांच में जाओगे तो आपको गाड़ी का वो एक साल जितना पीरियड बचा होगा उसका आपको निकाल कर दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात दोबारा बता देता हूँ, जिन भाइयों के कागजात ख़त्म हो गए हैं वो कागजात के लिए अथॉरिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन अपनी फिटनेस की फ़ीस कटवा लें। उसकी फ़ीस अगर 3000 रुपये कट गई, कईयों की 3 कटेगी तो 3 कट जाएगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं, वो आपका अगली बार एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपको फिटनेस के लिए ड्राइवर को ट्रेनिंग करवानी पड़ती थी, जो आपको गवर्नर दिखाना पड़ता था, जो आपको पैनिक बटन कराना पड़ता था, वो कुछ नहीं कराना पड़ेगा। इस बात को गौर से पढ़िएगा, इस वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने मात्र ऑनलाइन फ़ीस कटवानी है फिटनेस की, और अगले दिन उसकी फिटनेस की फ़ीस कैंसिल कराकर बुराड़ी से अपना एक्सटेंशन ले लेना है। किसी को दिक्कत हो, मेरा नंबर आपके सामने नज़र आ रहा है, उस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। दोस्तों यूनियन से जुड़ेंगे तो ताकतें मिलेंगी, सारा कुछ होगा। किराए की बात भी हमारी लगभग किसी भी खबर आपको खबर आ सकती है। कुछ हमारे साथी हैं जो किराया नहीं बढ़ाना चाहते, वो उनका दबाव वहाँ चल रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग आपके नहीं मानते। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत अच्छा प्रयास ये हुआ है कि अधिकारियों ने खुद सर्वे किया रोड पर जाके, रोड पर जो भी फीडबैक मिला है उन्होंने उस फाइल के अंदर डाल दिया। वो कॉन्फिडेंशियल फाइल हमें नहीं दिखाई गई, इतना हमें ज़रूर बताया गया कि आपका किराया अच्छा खासा बढ़ रहा है। आगे ईश्वर जानता है कि क्या होगा। तो मैं पुनः फिर आप सभी साथियों से, जिन लोगों की डीजल की गाड़ियां थी, ये वीडियो उनके लिए आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे किसी भाई को इस बारे में कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे, यूनियन के सदस्य ज़रूर बने। अभी एक भाई का आज फ़ोन आया, बोला मित्र पेंडिंग बटन का मेरा कार्य है, मैं क्या करूं? मैं कह जी बड़ी अच्छी बात है, मैं जब रोज़ बुलाता हूं कि पेंडिंग बटन का आदेश पारित किया हुआ है कि, और वो काम नहीं कर रहा, हमें संख्या चाहिए, संख्या हमारे पास है नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास 100 गाड़ी पैनिक बटन की होगी तो 100 आदमी वहाँ खड़े होंगे, तो 100 आदमी का 8000 बचेगा, कितना पैसा हो गया, गुना करोगे तो 8000 के अगर पीछे 2 0 लगा दोगे 80000 बचेगा, वो 80000 200 आप ही का बचेगा, मेरा तो नहीं बचेगा ना। और एक बात और बता दूँ, कई लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, साथी हैं, उन्होंने पीछे गाड़ी पास कराई। बोला मैं कभी बोला जी वहाँ दलाल को 2000 रुपये दे दी, हो गई। मतलब इतना सक्षम होने के बावजूद भी लोग बाग अब भी कहते हैं हमें परेशानी में नहीं पड़ना। अरे आप अपनी ताकत को बढ़ाइए ना भाई, काहे नहीं बढ़ा रहे, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कैसे बढ़ेगी? आप सबके एक होने से बढ़ेगी। पॉलिसी बनाना एक बहुत बड़ी बात है। आज ओला उबेर पर हम पर हावी क्यों हैं? क्योंकि हम पॉलिसी बनाने में सक्षम नहीं हुए कभी। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, मेरे ये कुछ गाड़ियाँ इसका नंबर दे दो, उसके अफसर का नंबर ले लिया, बस उससे इतने इतने में खुश हो जाते हैं। पॉलिसी की अभी देखो, अभी आपको एक अगली बात बताता हूँ। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर 180 का परमिट कब तक चलेगा, 180 की लाइफ कब तक है? मैं कहा जब तक आप चाहोगे तब तक है। पूरी हिंदुस्तान के अंदर हमने परमिट की जो लाइफ है 12 साल करवा दी, लेकिन 180 वाला अगर कोई जुड़ेगा नहीं, गिनती नहीं बताएगा तो कैसे काम हो जाएगा? संख्या आज भारतीय जनता पार्टी आई है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, बंगाल में ममता बनर्जी है। वो लोग कैसे बन पाए, पार्टी बना पाए? उनके पास संख्या थी ना। आज संख्या होगी तो आप कोई भी कार्य करवा पाएंगे ना। अगर संख्या नहीं रहेगी तो आप कार्य कैसे करवाएंगे? आज मेरे पास पैनिक बटन की बात जब आती है, हमने सितंबर 2021 में इसको मंत्री द्वारा खारिज करवा दिया कि नहीं लगेगा आपका, और लगेगा अभी तो उसका सारा पैसा सरकार देगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे साथी कहते हैं नहीं हम तो लगवा लेंगे अपने आप। अब बताओ क्या किया जाए उसका। दोस्तों पुनः फिर आप सबसे आग्रह है कि आप लोग प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन पंचायत के सदस्य बने।
मेरे कई मित्र बहुत से तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। हम ये पूछते हैं, आपने क्या किया आज तक, आपका योगदान क्या है? सिर्फ क्रिटिसिज्म, एक दूसरे की टांग खींचना। आप काम के लिए काम कीजिए, जो काम हम बड़ी बात नहीं करते, जो हम काम करा के लाए हैं आज, ये काम के लिए किसी ने एप्लीकेशन तक नहीं लिखी, सोचा तक नहीं होगा कि हाँ ये काम कराना है। तब तो बहुत लोगों ने दावा कर दिया था कि हाँ हम परमिट करवाने जा रहे हैं, उसके बाद किसी ने बात करी, क्योंकि पहले ही नहीं करा उन्होंने, एक जस्ट फॉर्मेलिटी का लेटर लिख दिया कि हमने करवाया। अगर करवाया होता तो आज जैसे हमने एक रिलीव लिया है कि उनकी फिटनेस अगर ड्यू है, किसी को 6 महीने की मिली थी, किसी को 8 महीने की मिली थी, किसी को 12 महीने की मिली थी, किसी को 16 महीने की मिली थी, तो बाकी का टाइम वो आपकी बिना जाए गाड़ी के, बिना ट्रेनिंग के वो फिटनेस हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे खबर उन तक पहुँचती रहें। इन्हीं बातों के साथ विदा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।